हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेल्दी एंड टेस्टी में। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए स्पेशल इंदौरी साबूदाना की खिचड़ी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं एक कटोरी साबूदाना, वजन में 125 ग्राम है। ये छोटे साइज़ के साबूदाना है, आप मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम साबूदाना ऐड करेंगे। अब इसमें दो कटोरी पानी ऐड करेंगे। अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ का साबूदाना लेते हैं तब आपको पानी का ध्यान रखना होगा। इसे हम ढक देंगे और लगभग 5 से 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। इसमें आधी कटोरी मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। मूंगफली के दाने को हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए हैं हमने, इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। मूंगफली के दाने ठंडे हो गए हैं, अब हम इस तरीके से हाथ से इसका छिलका निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। रोस्ट की हुई मूंगफली मिक्सर जार में ऐड करेंगे। जार को बंद करेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली को हमने दरदरा पीस लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। 5 घंटे हो गए हैं, साबूदाना को एक बार चेक कर लेते हैं। साबूदाना अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। साबूदाना का पानी हमने निकाल दिया है, बिल्कुल खिले खिले साबूदाना है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। इसमें हम थोड़े से मूंगफली के दाने डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च ली हैं हमने, जिसे बारीक काट लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 15 से 20 हमने फ्रेश कड़ी पत्ता लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। 2 आलू लिए हमने मीडियम साइज़ के, इसे हमने काट लिया है। आलू भी इसमें ऐड कर देंगे। चला लेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं नमक। हमने यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर या बूरा शक्कर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नींबू का रस। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए हम लगभग 1 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई मूंगफली का पाउडर जो हमने बनाकर रखा था। अब इसमें डालेंगे भीगे हुए साबूदाना। साबूदाना बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग दिख रहा है, खिले खिले साबूदाना है। सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। फ्राई किए हुए मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया और मूंगफली को भी खिचड़ी में मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। व्रत के लिए स्पेशल इंदौरी साबूदाना की खिचड़ी हमारी बनकर तैयार है। हरे धनिया से हमने इसे गार्निश कर दिया है। आप इसे किसी भी व्रत में बना सकते हैं या बिना व्रत के भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी इस तरीके से साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।